हाई गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू एपिसोड टू ऑफ बिगनर्स मेकअप सीरीज यस आज है एपिसोड टू तो आज ना मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ मेकअप टूल्स के बारे में क्या कि आप किस किस चीज का आपको यूजेज होता है मेकअप ब्रशेज स्पंजेस वॉट टाइप ऑफ ब्रशेज कौन सा ब्रश कौन से उसके लिए होता है प्रोडक्ट के लिए क्रीम के लिए कौन सा पाउडर प्रोडक्ट के लिए कौन सा लिक्विड के लिए कौन सा वी आर गो नॉक अबाउट ऑल दिस हेयर ठीक है तो चलिए इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज का भी सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम कैसे कैसे अपना मेकअप कर सकते हैं तो तीन चीजों से कर सकते हो एक तो है मेकअप स्पंज दूसरा है मेकअप ब्रशेज एंड तीसरा है हमारे फिंगर्स यस फिंगर से भी आप कर सकते हो बहुत अच्छा ब्लेंड होता है ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको मेकअप टूल्स चाहिए ही चाहिए कुछ प्रोडक्ट के लिए चाहिए बट लाइक अपने बेस मेकअप के लिए ब्लश के लिए और पाउडर और फाउंडेशन बीबी क्रीम इन सब के लिए प्राइमर इन सब के लिए आपको ब्रश या स्पॉन्ज की जरूरत नहीं पड़ती है वो आई लाइनर या आई मेकअप के लिए ज्यादा जरूरी होता है इसीलिए फिंगर्स आर देयर ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेकअप ब्रशेस के बारे में तो मेकअप ब्रश में हमारे पास किस किस चीज के लिए ब्रश होते हैं हमारे पास प्राइमर के लिए होता है जो हमारा क्रीम के लिए रहता है ना स्टिपलिंग ब्रश उस टाइप का ब्रश या ब्लेंडिंग ब्रश उस टाइप के ब्रशेस से हम अपना प्राइमर कर सकते हैं जैसे कि जैसे कि मेरे पास है ये वाला ब्लेंडिंग ब्रश ठीक है ये आर कॉल्ड ब्लेंडिंग ब्रशेस इन या बफिंग ब्रश भी कह सकते हो आप तो इनसे ना आप अपना प्राइमर कर सकते हो मैं जनरली अपने फिंगर से करती हूँ प्राइमर प्राइमर तक मैं अपने ब्रशेस को यूज करना नहीं चाहती आई डोंट फील लाइक दैट मुझे लगता है प्राइमर इज लाइक की हाँ ठीक है चलो वो तो हम फिंगर से करेंगे क्रीम है या एक बेस है इसीलिए बट अगर किसी को ब्रश यूज करना है तो दे नीड अ स्टिपलिंग ब्रश और अ बफिंग ब्रश ठीक है तो स्टेप होता है हमारा फाउंडेशन उसके लिए हमें ब्रश चाहिए तो ब्रश में ना मेरे पास है ये वाला ऑप्शन जिसमें ये है कफ्स एंड लैशेज का फाउंडेशन ब्रश आई फ्रीकिंग लव दिस मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ एंड जब से मैंने ये लिया है ना आई एनी अदर ब्रश ओके तो और ऐसा मेरे पास एक नहीं मेरे पास तो दो है फाउंडेशन ब्रश जिसमें से एक मैंने आज नहीं आज मैंने स्पंज यूज किया है बट एक गंदा है ऑलरेडी बिकॉज कल के वीडियो में किया था एंड एक क्लीन है सो या ठीक है फाउंडेशन ब्रश लुक्स लाइक दिस ये ऐसा क्यों होता है एक तो ये डेंस होता है क्योंकि आपके फाउंडेशन को मूव ज्यादा नहीं करना है हमें वहीं पर डिपॉजिट करना है दूसरा इसका ये जो स्लेंट जो है ना इसकी वजह से काफी हेल्प होती है कि आप अपने इनर कॉर्नर्स तक जा पाते हो लाइक आईज के नोज के स्माइल लाइन के ठीक है तो आप इजीली जा पाते हो इसलिए ये ऐसा है तो वो बहुत अच्छा है और राइट right? उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कंसीलर कंसीलर के लिए अगेन मेरे पास एंड कब का ब्रश है जो कि है ये मैंने लास्ट में वीडियो में बताऊंगी आपको कौन सा ब्रश लेना चाहिए अगर आप लेना चाहते हो कौन सा आपको अवॉइड करना चाहिए वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी फिलहाल मैं बस ये बता रही हूँ कौन से मेकअप के लिए कौन सा वाला आपको चाहिए होता है सो दिस लुक्स लाइक दिस अगेन ये ना ऐसा आप ऐसा कह सकते हो कि ये फाउंडेशन ब्रश का वन टेंथ पार्ट है ठीक है सेम वैसा डिजाइन है डेंस है बस बहुत छोटा है तो ये क्या होता है आपके आईज के इनर कॉर्नर में हो, या यहाँ बिल्कुल एजेस पे जा पाता है आपकी आईज पोक नहीं होती है डेंस होने की वजह से प्रोडक्ट वहीं डिपॉजिट होता है और जो है एकदम से फैल नहीं जाता है इट गिव्स यू मोर कवरेज या तो यस दिस इज द फाउंडेशन ब्रश एंड अगेन मेरे पास ये भी दो है वन इज डी आज मैंने यही यूज किया है एक और चीज फाउंडेशन के लिए ना आप एक ऐसा ब्रश भी यूज कर सकते हो दैट इज कॉल्ड द फ्लैट ब्रश जो भी आपका लिक्विड फाउंडेशन है ना उसको फ्लैटली टैप करने के लिए जनरली ये जो यूज किया जाता है ना ये पहले किया जाता था अपना फाउंडेशन ब्लाइंड करने के लिए बट नाउ दिस दिस इज यूज टू मिक्स लाइक अगर आपको अपना फाउंडेशन एंड जो आपका स्ट्रोक क्रीम है या उसको मिक्स करना है अपने जो आपका मेटल प्लेट रहता है तो आप ऐसे मिक्स कर सकते हो फिर उसी से आप अपना फेस पे उसको पैड डाउन कर सकते हो ठीक है जस्ट टू गिव दैट कि कहाँ का फाउंडेशन लगाना है तो दिस इज यूज लाइक दैट ठीक है तो ये मेरे पास भी कोई ऐसी रैंडम ब्रांड का है इट्स नॉट समथिंग स्पेशल नेक्स्ट स्टेप हमारा कंसीलर तक हो चुका है अब आती है पाउडर की बारी क्योंकि हमें अपने बेस को सेट करना है पाउडर ब्रश के लिए मेरे पास आपके मेरे पास आपके लिए कई सारे ऑप्शन हैं जिसमें सबसे पहले है एक ये फ्लफी ब्रश ठीक है दिस इज फ्रॉम द ब्रांड वेट एंड वाइल्ड अगर आपको अपना पाउडर बस ऐसे ही डैप करना है ना तो दीज फ्लफी ब्रशेज कम्स वेरी हैंडी वेरी वेरी हैंडी दीज आर लाइक गो टू ब्रशेज की बस जल्दी 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 कर लो क्योंकि बड़ा होता है काफी साइज में तो इट इज वेरी हैंडी रहता है बेसिकली सो या दैट्स दैट उसके बाद अगर आपको आपका जो पाउडर है ना उसको पैक करना है लाइक like, जैसे हम कहते हैं बेकिंग करना बेकिंग करना नॉट एग्जैक्टली माई पॉइंट वैसे आप कर भी सकते हो बट नॉट एग्जैक्टली बेकिंग बट स्टिल अपने पाउडर को डिपॉजिट करना ऑन माई अंडर आइज़ ताकि वो क्रीज लाइन नहीं आए उसके लिए है मेरे पास ये ब्रश ये मैंने जब से ख़रीदा है ना ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है ओके फाइव की रेंज का आता है दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड पैक अब तो इसका मिट भी गया है पैक टू सिक्स वन पाउडर ब्रश है ये तो एक्चुअली ना इसमें क्या है ये पाउडर के पाउडर जो हमारा ब्रश होना चाहिए उसकी तरह ऐसे फ्लफी भी है बट इट हैज अ बेस जो है ना ये से ये फ्लैट है दिस थिंग इज फ्लैट ओके तो ये ऐसे फ्लफी भी है एंड फ्लैट भी है तो जब अपना पाउडर इस्तेमाल करते हो ना तो इट डिपोजिट्स द पाउडर आप मुझे मेरे वीडियोज में मोस्टली नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द टाइम्स इसी ब्रश को यूज करते हुए देखते हो या बिकॉज आई लव दिस इवन मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ डिस्काउंट में आएगा मैं इसका एक और मंगा लूंगी बिकॉज दिस इज अनबीटेबल गाइज सीरियसली इसको मैंने लिया था आज से फोर फाइव ईयर्स बैक एंड ये अभी तक अच्छा चल रहा है मैं इसको हर मेकअप के बाद वॉश करती हूँ ऐसा नहीं है कि ये मेरा मतलब महीने में एक बार वॉश हो रहा है महीने में ये दस पंद्रह बार वॉश होता होगा सो या मैं एक ज्यादा से ज्यादा दो बार तक इस पाउडर ब्रश को यूज करती हूँ थर्ड टाइम ये वॉश ही होता है फॉर श्योर सोया अच्छा अब इसमें क्या है ना एक चीज और इससे बेनिफिट होती है वैसे कि एक तो आप ये फ्लैट होने की वजह से ना ये क्या एक मिड पार्ट दे देता है इसको तो फ्रॉम दिस साइड आई यूज माई पाउडर एंड फ्रॉम दिस साइड आई यूज माई ब्लश या तो ये टू इन वन भी काम करता है एंड इससे जो ब्लश अप्लाई होता है ना वो किसी और ब्लश ब्रश से मेरा आज तक नहीं हुआ है यस yes, आज ही मैंने इसी से किया है या yeah. ये एकदम बढ़िया डिपॉजिट करता है और साथ में ब्लेंड भी करता है एवरीथिंग इट डज सो so, मैं सीरियसली बोलूंगी कि आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इस ब्रश में इन्वेस्ट कर दो बिकॉज जब मैंने भी ये लिया था आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल कि लूं कि नहीं लूं इट्स अ प्राइसी प्रोडक्ट बट मैंने रिग्रेट नहीं किया है बिल्कुल भी या सो यस दिस इज द पाउडर ब्रश चलो पाउडर ब्रश में मैंने आपको दो ऑप्शन दे दिए एक फ्लफी है एंड एक वो पैक वाला है एक ये वेटर वाइल्ड का है ओके और नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आर ब्लश ब्लश के लिए भी मैंने आपको बता ही दिया कि आप पैक वाले से ही कर सकते हो दूसरा आप कोई भी ऐसे फ्लफी ब्रश जो बफिंग रहते हैं ना आप उनको यूज कर सकते हो लाइक लाइक दिस दिस ओके ये कोई भी बफिंग ब्रश आप अपना वो यूज कर सकते हो ब्लश ब्लश के लिए इतना कोई मैंडेटरी नहीं होता एक स्पेसिफिक ब्लश ब्रश नहीं होता है आता है मार्केट में ब्लश ब्रश के नाम से बट इट्स नॉट मैंडेटरी टू बाय पर्पजली उसके लिए वही ज ऑल्सो वर्क वेल जो आपके ब्रश अप्लाई कर देते हैं इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे कुछ स्पेसिफिक आपको नहीं बोलूंगी कि ब्लश के लिए आपको यही चाहिए <laughs> यहाँ तो मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा कॉन्टोरिंग ठीक है ब्राउन्जर और कॉन्टोरिंग लाइक दिस आज मैंने काफी डीप ब्राउन्जिंग की है काफी टाइम बाद एक्चुअली ये मेकअप रिक्रिएशन है हो सकता है अब तक आपने ही देख लिया हो शॉर्ट्स में या रील्स में नहीं देखा होगा तो अभी एक दो दिन में दिख जाएगा सो या एनी चलिए मूव बैक टू द वीडियो ओके सो कॉन्टोर के लिए ना मेरे पास अगेन आपके लिए एक स्पेसिफिक ब्रश है जो काफी यूजफुल है ओके आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन कफ्स एंड लैशेस का कॉन्टोर ब्रश सो वाई दिस ठीक है पहले तो आप इसको देखो वाई दिस बिकॉज ये हल्का सा स्लेंट है थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे फ्लफी भी है एंड डेंस भी है इट हैज एवरीथिंग तो अब क्या होता है जब आप अपना कॉन्टोर और ब्रॉन्जर यूज करते हो ना इट गिव्स अ डायमेंशन थोड़ा सा स्लेंट हल्का सा है, 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 है। बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके। तो ये ये हल्का सा होने की वजह से, कि आपको क्या करना है, करना कैसे so, मतलब आपको ना ऐसे ऐसे या आप कोई और करोगे ना, दैट गिव यू दैट बफिंग ब्रश आप यूज करोगे तो पूरे फेस पे हो जाएगा दिस हैज दिस स्पेसिफिक लाइन तो ये आपका एग्जैक्ट पॉइंट पे ही अप्लाई होता है देन उसके बाद आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो तो काफी ज्यादा एरिया में ऐसे नहीं है कि पूरे फेस पे हो जाता है यू कैन सी मैंने आज भी यही यूज किया है यू कैन सी माई इसीलिए मैं ये वाला ब्रश सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज अगेन जब से मैंने ये लिया है उससे पहले में जब मैं करती थी ना तो आई हैड दिस ब्रश तो बट इससे इतना मजा नहीं आता था बट जब से मैंने ये खरीदा है न, ये यूज करना शुरू किया है ना दिस

के लिए नहीं है इफ यू गो ऑन योर चीक दिस में स्टार्टिंग में बहुत करती थी तो ये मतलब एक एक लाइन लाइन स्ट्रेट कि हाँ, बस वहीं पे हमारा है। गुड फॉर योर अंडर ब्रोन अपर ब्रोन नोज के लिए इट इज गुड फॉर देयर आपका क्यूपिड्स बो के लिए इट इज गुड फॉर दैट ठीक है वहां पे आपको हाईलाइटर यूज करना है दैट टाइम इट कम्स वेरी हैंडी एंड इट इज यूजफुल बट आपके चीक्स के लिए मैं जो यूज करती हूँ इट्स नॉट अ हाई ब्रश बट मैं जो यूज करती हूँ वो के वो है ये वाला ऐसे फ्लफी सा ब्रश है ये एंड डेंस भी है सो so, ये जो ब्लश है ना दिस इज ब्लश दिस ये जो ब्रश है ना दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड पूना स्टोर ये काफी साल पहले का है लाइक सिक्स सेवन ईयरस मेरे और भी जो ब्रशेज है ना मैंने बहुत साल पहले ये पूना स्टोर से दो तीन मेकअप ब्रश के सेट लिए थे उस टाइम पे पूना स्टोर बहुत फेमस होता था वो आज भी आपको मिल जाएगा एमेजोन पे तो उसके ब्रशेस काफी अच्छे क्वालिटी के होते थे एंड अब आप देख सकते हो सिक्स सेवन ईयर्स से ये ब्रशेस चल रहे हैं या जो मैंने आपको पहले अपना बफिंग ब्रश दिखाया था लाइक दीज़ ऑल और और है, भी हैं अभी आई ब्रशेस भी आएंगे उसमें से तो ऑल ऑफ दीज़ ब्रशेस आर वेरी यूजफुल काफी अफोर्डेबल आते थे ये अभी मुझे ही पता नहीं कितने के आते होंगे बट यस तो अपना हाईलाइटर के लिए ना देखो आप अभी भी गंदा ये एक साइड से क्लीन है एक साइड से गंदा है तो आज भी मैंने इसी से ब्रश अपना हाईलाइटर यूज किया है सो तो ये ना यहाँ पे डिपोजिट करने के लिए हाईलाइटर और उसको ब्लैंड करने के लिए काफी यूजफुल है एंड इसी से फिर मेरा नोज पे या फोर हेड पे क्यूबिट एवरीवेयर ओनली दिस ब्रश हेल्प मी आउट विद दैट मुझे फैन ब्रश यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है सो यस दिस इज यूज ओके सो विद दिस आर बेस मेकअप इज डन अब बात करते हैं हमारे आईज के लिए आईज के लिए कुछ ऐसे ब्रशेज हैं जो आपके पास होना मैंडेटरी है मैं यहाँ पे ना आपको सिर्फ मैंडेटरी ब्रशेज के बारे में ही बताऊंगी वरना आप कितने भी ले सकते हो देर इज नो लिमिट ऑफ द मेकअप ब्रशेज आप कितने भी किसी भी टाइप के ले सकते हो बट मैं यहाँ बेसिक वाले बता रही हूँ जिनके बिना आपका आई मेकअप नहीं हो सकता सबसे पहले है स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ठीक है विच लुक्स लाइक दिस या स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ये क्या होता है आपके ना यहाँ पे अंडर ये क्रीज लाइन पे डिपॉजिट करने के लिए काफी काम आता है ये ठीक है सो दैट्स दैट उसके बाद है एक फ्लैट ब्रश जो आपका आई शेडो को ना यहाँ आई लिड पर डिपॉजिट करने के लिए या जब आपने ग्लिटर वाले यूज करते हो ना उन पे डिपॉजिट करने के लिए काफी काम आता है दिस इज अ फ्लैट ब्रश एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मिनीसो मिनीसो का जो आई शेडो आई मेकअप ब्रशेस का सेट आता है ना फाइव सिक्स प्रोडक्ट्स का ये उनमें से एक है उस, और जो पहले वाला ब्रश था वो कफ्स एंड रशेज का है उसके बाद एक आपका आता है ये वाला दिस इज द आई लाइनर और आई ब्रश जिसमें एक साइड आपको स्पूली मिलती है दूसरी साइड आपको आई लाइनर आप आप इससे ब्राउ फिल कर सकते हो तो इट्स अ टू इन वन प्रोडक्ट इसीलिए ये होना काफी जरूरी है उसके बाद एक आपको चाहिए बड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश टू ब्लेंड एवरीथिंग इन टू प्लेस आपके ताकि कोई भी आपके अगर आपने एक से ज्यादा शेडोज यूज किए ना कलर के तो वो एकदम से ऐसे हार्श लाइन नहीं दिखे इट विल ब्लेंड एवरीथिंग इन टू प्लेस ये सब मर्ज लगेगा बहुत बढ़िया से दिखेगा तो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड और फ्लेम बट आप ये बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं कपेस में भी आता है मिनी सोप में भी था तो आई हैव मोर बट अभी मेरे हाथ में ये वाला आया तो आई शोइंग यू दिस कि ये कुछ ऐसा दिखता है फ्लफी ब्लैंडिंग ब्रश ठीक है दिस इज फॉर आई एंड इसके अलावा आई रियली डोंट थिंक कि आपको किसी और आई ब्रश की जरूरत है जनरली इट इज सैड कि आई मेकअप ब्रशेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो बहुत सारे होने चाहिए बट आई पर्सनली थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था ना अपना मेकअप जर्नी आई हैड दीज ब्रशेज ओनली दीज काइंड ऑफ एंड वो मेरे अब तक चले थे अब जाके मैंने इन्वेस्ट किया है और ब्रशेज में बिकॉज आई डू नॉट है मेरे पास हमेशा टाइम ही होता ऑलवेज कि मैं अपना ब्रश को धो पाऊँ इसीलिए नाउ आई हैव मल्टीपल सैट्स ऑफ आईव ब्रशेज बट यू डोंट नीड इट फॉर द बिगिनर्स इट्स नॉट नीडेड या चलो ओके okay. सो विद दिस आर ब्रश जर्नी इज फाइनली ओवर आपको क्या क्या ब्रशेस चाहिए हर आइटम के ब्रशेस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं हर मेकअप प्रोडक्ट को यूज करने का ठीक है तो मैंने सब बता दिया है वहां पे अब बात करते हैं हमारा सेकेंड टाइप ऑफ मेकअप यूज करने की चीज दैट इज स्पॉन्च तो आई हैव क्वाइट अ फ्यू ऑप्शन फॉर यू जिसमें एक है ये पियर ड्रॉप नहीं सॉरी पेयर शेप टियर ड्रॉप इज डिफरेंट पियर शेप्ड वाला है ये दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ब्लू हेवन जो कुछ हंड्रेड समथिंग का आता है एंड इट्स माइंड ब्लोइंग अगर आपको कोई हाई एंड वाला चाहिए ना मेरे पास एक हाई एंड भी है मतलब हाई एंड तो नहीं बट एक एक्सपेंसिव वाला भी है जो कि है पैक स्पंज दिस इज अ टीयर ड्रॉप काइंड ऑफ अ शेड ये पैक का है एंड ये भी मैंने फोर फाइव ईयर्स पहले लिया था नाउ इट हैज गिवन अप ऑन मी आई ये शायद अब आपको नहीं दिखेगा मेरे वीडियोज में बिकॉज थोड़ा सा इसमें क्रैक आना शुरू हो गया है सो या बट एनी वे दिस वर्क्स वंडर्स

आपका ब्लश आपका कॉन्टोर क्रीम ब्लश क्रीम कॉन्टोर तो इससे एकदम से ड्रीम के तरीके से ब्लैंड होता है तो हमारा जो मेकअप स्पंज का जो बेसिक फंडा है ना दैट इज कि आपका जो मेक क्रीम मेकअप है या लिक्विड मेकअप है उसको ब्लैंड करना आपका जो पाउडर मेकअप है ना वो जो है इससे नहीं होता है अच्छा आई हैव ट्राइड आई हैव टेस्टेड इट आपको जो भी पाउडर प्रोडक्ट्स है ना वो ब्रश से ही अच्छे से ब्लैंड होते हैं उसी से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है ब्रश में जो है क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए या लिक्विड प्रोडक्ट के लिए कुछ कुछ के लिए ब्रशेज आर नॉट गुड अगर जैसे आप क्रीम कॉन्टोर ले लो अगर आप उसको ब्रश से करने जाओगे ना इट विल टेक फॉर एवर टू ब्लाइंड बट अगर आप उसी कॉन्टोर को अपने स्पंज से ब्लाइड करोगे तो वो जो है सेकेंड्स में हो जाता है सो दैट इज द डिफरेंस आपको अलग टाइप के प्रोडक्ट के लिए एक अलग टाइप का टूल चाहिए होता है सो दैट मेक्स द डिफरेंस एंड इसीलिए इतने सारे टाइप की चीजें बनी हुई हैं मार्केट में या yeah? चलो उसके बाद मैंने अभी आपसे टीयर ड्रॉप शेप की बात कर ही ली है दिस इज ऑल्सो लाइक पियर शेप्ड ओनली आपके इनर कॉर्नर में इजिली जाता है जो नीचे का पोर्शन है दैट योर फाउंडेशन एवरीथिंग बहुत तो दिस इज फ्रॉम पैक नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट ना मेरे पास है ये स्पंज अगेन अ पियर शेप्ड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड नाइका एंड इट्स नॉट गुड इट्स वेरी हार्ड ये ड्राई है अभी बहुत हार्ड है ये जब डैम्प uh, होता है तब भी को ज्यादा बड़ा नहीं होता है एंड काफी मतलब इट्स नॉट गुड इन सिंपल लैंग्वेज एंड ये भी बहुत जल्दी मेरे वैनिटी से बाहर ही जाने वाला है बिकॉज इसमें भी एक दो जगह क्रैक आना शुरू हो गए हैं लाइक बेस पे तो ये अच्छी क्वालिटी का भी नहीं निकला इसमें ज्यादा इवन ही देखो जरा इसमें ज़्यादा क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं और ये मैंने अभी लिया है रिसेंट मतलब एक साल पहले पैक वाले को मेरे को फोर फाइव ईयर्स हो गए हैं फोर ईयर्स या आई रिमेंबर मैंने शादी के टाइम पे खरीदा था इट्स बीन फोर ईयर्स और मोर फॉर दैट बट ये नाइका वाला एक साल हुआ है एंड इट्स इट्स बैड बैड इन कंडीशन ये ना मैंने बस वीडियो के लिए संभाल के रखा था वरना चलो ठीक okay. है ब्रांड ब्लू हेवन ये थोड़ा सा ना हार्ड है पीयर शेप्ड जो ब्लू हेवन का है बट जो ये पोर्शन है ना जिन लोगों को बेकिंग पसंद है या लूज पाउडर को अंडर आई पे सेट करना पसंद है ये उनके लिए होता है स्पेसिफिकली क्योंकि ये जो फ्लैट चीज है ना आप अपना जो पाउडर है उसको पिक करते हो यू जस्ट बेक और यू जस्ट सेट योर अंडर आइज ये जो लाइन्स तो ये उस सब के लिए होता है ठीक है अदरवाइज बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्पंज है दैट इज अ नॉर्मल स्पंज आप अपना नॉर्मल जो है अपना फाउंडेशन एंड एवरीथिंग ब्लाइड करोगे बट जो डिफरेंस है दैट इज दिस ठीक है वो किस लिए होता है वो मैंने आपको बता दिया है उसके बाद ना आजकल एक और टाइप का स्पंज काफी फेमस है जो पिज्जा पफ शेप का ट्राइंगल शेप का है वो मैंने सोचा था इस वीडियो के बनाने तक आ जाएगा जब तक मैं ये शूट करूंगी बट वो मेरा अभी इन ट्रांजिट है वो अब तक नहीं आ पाया है सो so येस yes, वो भी अभी काफी वायरल हो रहा है एंड उसका उसको मैंने यूज भी नहीं किया है अभी तक तो आई एम नॉट गोना से एनीथिंग अबाउट इट हेयर बट उसका मैं डेफिनेटली एक बहुत जल्दी रिव्यू वीडियो बनाऊंगी एंड आई विल शो यू गाइस की वो कैसा काम करता है जस्ट वेट फॉर वन वीक फॉर दैट ओके ओके okay, सो so अब जो है इतना सारा मेकअप किया है या मेकअप ब्रशेस हैं या मेकअप स्पंजेस हैं इनको क्लीन करने का क्या सिस्टम रहता है हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपने मेकअप ब्रशेस को यूज जो है हर यूजेज के बाद या मेकअप स्पंज को हर यूजेज के बाद आप वॉश नहीं करोगे उसमें बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई होते हैं एंड देन इट विल ब्रेक आउट योर स्किन इट इट विल गिव यू बिग बिग एक् एंड आपकी स्किन जो है खराब हो जाएगा आपका स्किन बैरियर जो है ना वो टूट जाएगा इसीलिए आई यूज़ स्पंजेज सिंगल टाइम उसके बाद वो मेरे वॉश होने में ही जाता है और रही ब्रशेज़ के बाद तो ब्रश में ना मैं पाउडर ब्रश ब्लश एंड कॉन्टोर ब्रश और हाईलाइटर ये जो चार ब्रशेज हैं इनको मैं एक से ज़्यादा बार एक से ज़्यादा मैं दो या तीन बार मैक्सिमम थ्री टाइम्स यूज़ कर लेते हैं उसके बाद वॉश में जाते हैं बट मई बेस जो फाउंडेशन है कंसीलर है कर, कलर करेक्टर है और आपके आई मेकअप के ब्रशेज़ हैं ये सब जो है मैं सिर्फ सिंगल टाइम यूज करती हूँ उसके बाद ये जाते हैं धुलने में बिकॉज ये आपकी स्किन खराब कर ही देंगे फॉर श्योर sure अगर आपने एक से ज्यादा बार इनको यूज कर दिया ठीक है अगर आप डेली मेकअप करते हो डेली आई मीन लाइक जो भी आपका ऑफिस वाला है बंदा वो डेली मेकअप कर रहा है तो आई विल जस्ट से कि आप इन ब्रशेस को दो बार यूज कर लो बट थर्ड टाइम भी नहीं करना प्लीज वरना आपका स्किन खराब हो जाएगा इट्स आफ्टर ऑल इट्स योर स्किन या मैं बस सजेशन दे सकती हूँ यहाँ पे तो अगर आप डेली वाले हो तो कोई भी ब्रश है आपका उसको दो बार से ज्यादा तीसरी बार लेके मत जाओ उससे पहले उसको धो लो अगर आप रेगुलर नहीं करते हो लाइक यू डू इट वंस अ वीक और लाइक मंथ में एक बार का तो मतलब है फिर तो आपको सारे ब्रश धोने हैं यूज इट से पहले एक महीने या आप एक हफ्ते का मतलब समझ रहे हो कि वो जो है पड़ा हुआ है आपका ब्रश कहीं पे एंड उसमें कितने बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई हो रहे हैं हाउ मेनी तो इसीलिए वो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी ठीक है तो ब्रश को क्लीन कैसे करना है हाउ आई डू इट मैं वो आपको तरीका बता देती हूँ सो so मैंने ना ये लिया है मेकअप क्लीन करने का जो ये मैट होता है ना मेरे पास जो है ये नायका का है बट आप लोकल भी ले सकते हो ये तो थोड़ा महंगा भी था <laughs> लोकल वाले सस्ते आते हैं एंड एवरी एवरी बडी इज सेम ठीक है जितने भी है ना सारे एक ही हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको यही लेना है इफ आई एम शोइंग यू दिस बस ये इस टाइप का जो रहता है ना वो हैंडी है बिकॉज आपका हाथ इसमें घुस जाता है ठीक है एंड नाउ यू कैन क्लीन योर ब्रशेज देयर या तो अब अब बात करते हैं कैसे क्लीन करना है आपको ना कोई भी ऐसे मेकअप रिमूवर वाले जो रहते हैं ना वो, वो, वो मेकअप वॉश करने के स्पेसिफिक कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है कोई भी आप अपना शैम्पू ले सकते हो क्योंकि शैम्पू क्यों या बॉडी वॉश ले सकते हो बिकॉज दे आर थोड़ा सा जो है ना आपकी स्किन के लिए बिकॉज वो आपका सर का है या आपके बॉडी का है तो दे आर लिटिल लाइट ठीक है एकदम हार्श तो नहीं होते हैं तो आप उनको वॉश करोगे फिर उसके तो बाद कोई चीज़ फेस पे जाएगी तो दैट विल वर्क फाइन ठीक है तो जैसे मेरे को कोई भी शैम्पू मैंने लिया या मेरे को पीआर में आया एंड आई डेंट लाइक इट मच तो अब उसका क्या करना है उसको फेंकना ही तो है तो मैं क्या करती हूँ मैं अपने ब्रश क्लीनिंग में यूज़ कर लेती हूँ तो मेरा ब्रश भी क्लीन हो जाते हैं उससे बिकॉज मेरे को तो रेगुलरली करना होता है तो मेरे ब्रश भी क्लीन हो जाते हैं वो प्रोडक्ट भी यूज़ हो जाता है वेस्ट नहीं होता है सो दैट्स हाउ आई वर्क ठीक है तो आपको एक ये भी चाहिए अगर आप ब्रशेज ले रहे हो ना आपको ये डेफिनेटली चाहिए टू क्लीन योर अगर आप इसमें क्लोजली देखोगे ना तो इट हैज मल्टीपल टाइप्स ऑफ ये जो है ठीक है जैसे ये बहुत छोटा छोटा वाला है टू तो क्लीन जो आपके डेंस ब्रश है लाइक फाउंडेशन ब्रश कंसीलर ब्रश फिर आपका ये ऐसा वाला है एक ऐसा वाला है तो दीज आर द मल्टीपल टाइप्स ऑफ थिंग्स जो आप अपने ब्रश में यूज कर सकते हो मैं तो खैर सारे ब्रशेस को बस जल्दी से सोल्ड किया एंड इट्स डन और इससे ना जॉब जो है काफी इजी हो जाती है अगर आप अपने हाथ वैसे आप अपने हाथ पे भी कर सकते हो बट इट विल टेक टाइम बहुत टाइम जाएगा जब मेरे पास ये नहीं था तो मैं अब मेकअप पे ना वो ब्रश पे ना शैम्पू लगा के अपने यहाँ पे फार्म पे करती थी, थी क्लीन तो इट यूज टू टेक सो मच ऑफ द टाइम कि बस जितने में मैं तीन ब्रश इस पे धोंगी उतने में वो एक ब्रश धुलता है इसीलिए मैं ये मैंने जब से ये लिया है ना इसलिए मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ इससे बहुत जल्दी काम होता है बहुत ईजी है इसीलिए ओके गाइज फाइनली विद दिस ये वीडियो का जो पर्पज है वो सॉल्व हुआ काफी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है आपको हेल्पफुल रहेगी आई होप कि जब भी आप अपना ब्रश या स्पंज लेने जाओ तो आपको ये वीडियो दिमाग में आएगी एंड यू वॉच इट अगेन और आप इसको सेव करके रखोगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे सो so दैट उनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए या चलिए वैसे ये वीडियो भी लंबी है बट टू गिव यू ऑल द डिटेल वीडियो लंबी होनी ही है मैं उसका कुछ नहीं कर सकती यार, या? चलो, है कोई बात नहीं आपने मेरे बेयर अगर कर लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना कॉमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड शेयर कर लेना अपने फ्रेंड के साथ और अगर ज्यादा ही पसंद आ गई हो ना सबसे पहले तो सब्सक्राइब बटन पे हिट कर देना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना सो so देट जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको पता चल जाएगी आ गई है या तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट टाइम इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक बट अदरवाइज वेडनेसडे और फ्राइडे में लॉन्ग वीडियोस मेरे कंटिन्यूसली जा रहे हैं अभी जो वीडियो आने वाले हैं वो नायका सेल हॉल पर्पल सेल हॉल बहुत कुछ आने वाला है ठीक है तो मिस नहीं करना एंड मेरे शॉर्ट्स भी आते रहते हैं तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको सब चीजें देखने को मिलेगी यू विल बी एंटरटेन चलो ठीक है मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट टाइम टिल देन यू यू गाइस टेक केयर बाय बाय आई लव ऑल सो मच